अभी मैं आपको बता रहा था कि भी ये जो, तो ये जो इसमें पूजा के नाम पे आपके साथ क्या, आपको मूर्ख बनाया जा रहा है या आपके साथ क्या ठगी की जा रही है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहले बात, एक नॉलेज के लिए आप बात नोट कर लो कि मेष, मीन, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में, जिनकी राशियां हैं, जिनके जन्म राशि चंद्र राशि जो है वो ये है, तभी आप गंडमूल में जन्म लोगे। मतलब इसे ऐसा नहीं है किसी भी राशि वाले में हो जाएगा, ये छह राशियां ही हैं। कौन सी? मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु। ये छह राशियों में अगर कोई किसी की चंद्र राशि ये है तो ही वो गंडमूल में पैदा होगा, ठीक है। और ये जो छह नक्षत्र है जो मैंने बताया कि तीन केतु के हैं और तीन मरकरी के हैं, बुध के हैं, ये जो छह नक्षत्र हैं ये है अश्वनी, रेवती, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल। ये छह नक्षत्र होते हैं जो इसे हम गुणमूल हुए। फिर इसके आगे चरण है, चरण में किसी का चौथा चरण जो है वो पिता के लिए ख़राब है, किसी का बच्चे के लिए ख़राब है, किसी का माँ के लिए, किसी का परिवार के लिए, वो आपको कोई ज्योतिष वगैरह बता देगा, क्योंकि मैं अब वो यहाँ पे आपको कहाँ ये सारी चीज़ें बताऊँगा। मेन बात ये कि इसमें जो आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉड इस बात का हो रहा है कि आपसे पूजा के नाम पे आपको बोला जाएगा कि ये चीज़ें आप इकट्ठा करोगे नहीं, आप उनको पैसे दे दोगे, वो पैसे, मुझे पैसे बचाने की कोई भी मेरी मंशा नहीं है, मैं कभी भी पैसे बचाने के फेवर में नहीं रहता, पर पैसे बचाने के, पैसे खर्च करने के बाद आपको उस वैल्यू की चीज़ें मिल जाए। तो जैसे कि आपसे पूजा के लिए वो बोलेंगे, तो एक बाज़ार में वो जाएंगे पूजा पाठ वाली दुकान पर, वहाँ पर जा कर के वो ले लेंगे सामान ये, और वहाँ पे ये सामान मिलेगा आपको इस तरह का, जो आपसे हज़ारों रुपए लिए जाएंगे पूजा के नाम पे। और ये देख रहे हो आप, ये शीशी पे लिखा हुआ है तंत्र मंत्र और पूजा के लिए राज दरबार मृतिका, इसमें मतलब रेत है, तो ये वो कहा जाएगा कि ये 27 अलग अलग जगह की रेत है। ये ऐसे किट है पूरी बनी हुई, ये इसमें मिट्टी है ये अलग अलग जगह की, और ये देखो ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये कंकड़ है 27, इसके ऊपर लिखा भी होगा 27 कंकड़, ये अंदर आपको कंकड़ भी दिख रहे होंगे। ये पानी है गंगा जल, ये गौमूत्र है, आप देखो कि गौमूत्र इस रंग का होता है क्या, हाँ आप देखो क्या हो रहा है। और फिर इसके बाद में ये कुओं का जल, 27 कुओं का जल लिखा हुआ है इसके ऊपर, 27 कुओं का जल। ये मिट्टी, रेत, जानवर की पैर की नीचे की मिट्टी, खुद कलेक्ट करी गई मिट्टी, ये वो करके ऐसे करके इन्होंने ये पूरी एक किट बनाई है। ये किट अगर आपको, पहली बात तो मिलेगी नहीं हर पूजा की दुकान पे, जो इस तरह के काम करते हैं उन्हीं को मिलती है। आप वहाँ जाओगे, किट खरीदोगे, ये 120 रुपये की किट है पंडितों के लिए, ये लिखा हुआ है 120 रुपये ये डब्बे के ऊपर छोटा सा, ये ऐसे किट मिलेगी। वो इस किट को ला करके आपके बच्चे की गंडमूल की पूजा कर देगा, जिसका करना ना करना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये तो हो गया कि मैंने आपको बता दें कि ये होता है पंडित, आपके साथ ये करते हैं। मैं खुद भी एक पंडित हूँ, पर जो गलत है वो गलत है, सभी पंडित ऐसे नहीं होते, कुछ पंडित अच्छे भी हैं, पर मैक्सिमम कैसे होते हैं आपको पता है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आपका बच्चे का गंडमूल में जन्म हो या हो चुका हो और आपने पूजा ना करवाई हो, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब भी जिस नक्षत्र में उसका मूल के नक्षत्र में जन्म हुआ है, जब भी आपको याद आए या जब भी आपका बजट हो पूजा कराने का, तो आप उसी नक्षत्र वाले दिन पूजा करवाएं। जैसे 27वें दिन आता है, अगर आपने मिस कर दी तो फिर भी जब वो नक्षत्र आए उस दिन करवाएं। शुभ मुहूर्त पंचांग देख के पंडित या ज्योतिष बता देगा। उसके बाद कोई बहुत मेहनत नहीं जाती, आप 27 अलग अलग जगह पे जा करके ये चीज़ें खुद इकट्ठा करें। जब आप खुद इकट्ठा करेंगे तो जो भाव निकलेगा आपका खुद इकट्ठा करने का, वो जो भाव होगा वो एक्चुअली में वो वर्क करेगा, वो काम करेगा आपके बच्चे को उस जॉइंट्स में पैदा होने की प्रॉब्लम से। और एक्चुअली में वो जॉइंट्स जो है वो मोक्ष और ज्ञान का प्रतीक होता है, पर वो आत्मा के लिए, अगर हम बात करें भौतिक जीवन की या शारीरिक जीवन की, तो उसके लिए वो इंडिविजुअल मनुष्य के लिए या उस बच्चे के लिए दिक्कत वाला होता है, उसके परिवार के लिए दिक्कत वाला होता है। पर वो जॉइंट्स मोक्ष और ज्ञान के हिसाब से अच्छा माना गया है, पर वो आत्मा के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। तो ठीक है, तो कोई भी आत्मा तो बनना नहीं चाहता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ी सी मेहनत खुद करें और फिर पूजा करवाएं, इसमें आपकी बहुत बड़ी रकम बचेगी, और सिर्फ आपको पंडित को एक उचित दक्षिणा देनी होगी। उचित पंडित ढूंढिए जिसका संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छा हो, जो उसको अच्छे दक्षिणा दीजिए, उसकी अच्छी खातिरदारी कीजिए,
ईमानदार पंडित ढूंढिए जो कि मिलना मुश्किल है, पर थोड़ा एफर्ट करेंगे, जैसे 27 जगह के पत्थर इकट्ठा करेंगे तो 27 जगह पे भटकेंगे तो एक पंडित भी अच्छा मिल ही जाएगा आपको। तो बाकी पंडितों की वजह से ही सारी दिक्कत है, तो वो हम फिर कभी बात करेंगे। तो अभी मेरा मकसद था आपको गणमूल के बारे में अवेयर करना कि इसकी पूजा के लिए खुद ही सामान इकट्ठा करो और एक अच्छे योग्य ब्राह्मण को, योग्य पंडित को बुलाओ और जिसका संस्कृत का उच्चारण सही हो, और वो इसकी पूजा करे और उसको एक उचित दक्षिणा दो, ठीक है। बाकी और टॉपिक के लिए मैं अगला वीडियो कुछ ऐसा डालूंगा मेरे को लगेगा तो। नमस्कार।